तो कैसे हो भाई, होपफुली बहुत ही अच्छे हो गए। तो आज आप देख रहे हो फ्रेम में मारुति सुजुकी इग्निस का सिग्मा बेस वेरिएंट BS6 फेस 2 के अंदर। इसके अंदर कंपनी ने कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, इसके अंदर कुछ फीचर ऐड कर दिए गए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे क्या कुछ फीचर आपको इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं, क्या कुछ हटा दिया गया है। और इसके अंदर अभी इंजन का रिफाइनमेंट भी बढ़ा दी गई है। इसके बात कर लेते हैं सीधा इसके एक्सोरूम प्राइस की, तो आपको इसके एक्सोरूम प्राइस पड़ेगा 5,84,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस पड़ेगा। तो इसके अंदर कुल 9 कलर ऑप्शन आपको ऑफर किए गए हैं मारुति इग्निस के अंदर। आपको मारुति की तरफ से एक एक फीचर आपको दिखाएंगे, पहले आपको एक्सटीरियर, फिर इंटीरियर, और फिर आपको इसका बूट स्पेस वगैरह, फिर आखिरी में इंजन वगैरह की परफॉर्मेंस वगैरह भी आपको बताएंगे। सामने की बात करें तो कुछ ऐसे आपको ग्रिल मिल जाती है, क्रोम प्लस ब्लैक के अंदर आपको इसकी फिनिश के अंदर आपको ग्रिल मिल जाती है, कुछ ऐसी आपको लुक बनाई गई है। नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाएगी गाड़ी के अंदर। बात कर लेते हैं इसके सामने की चौड़ाई वगैरह की, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी 1690 mm का, वो इसके अंदर चौड़ाई भी मिल जाएगी। मोर डिटेल के लिए आप डिस्प्ले पर 14 नंबर देख सकते हो, इस पर कॉन्टैक्ट करके इसके मोर इंक्वायरी ले सकते हो, लोन वगैरह भी आप इससे पूछ सकते हो। बात करते हैं हेडलैम्प सेक्शन की, तो इसके अंदर आपको रिफ्लेक्टेड बेस हैलोजन सेटअप मिल जाएगा भाई। इसके अंदर आपको यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा। नीचे आपको फॉग लैंप लगे हुए हैं, जो ये कि एक्सेसरी का पार्ट लगा हुआ है। कोई भी फॉग लैंप वगैरह आपको इस वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं किए जाते हैं। सामने के लुक की बात करें तो ऐसी कुछ ऐसे आपको लुक ऑफर की गई है मारुति सुजुकी इग्निस की। अभी चलते गाड़ी की साइड लुक में दिखाते हैं आपको उस चीज के साइड लुक में क्या कुछ ऑफर किया गया है। तो भाई इसके अंदर लगी हुई है व्हील कैप एसेसरी के तौर पे, पहले बता देता हूँ। नीचे आपको ये क्रोम गार्निश लगी हुई है, और इसके अंदर ये ORVM वो भी आपको बॉडी कलर इसके एसेसरी किट लगी हुई है। और बात कर लेते हैं लेंथ वगैरह की, तो इसके अंदर आपको पूरी 3700 mm की आपको लेंथ मिल जाती है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अभी बात कर लें इसके टायर सेक्शन की, तो इसके अंदर क्या कुछ आपको टायर सेक्शन में आपको सामने डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिलेंगे। प्रोफाइल वगैरह की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 175/65R 15 inches आपको इसके अंदर स्पोक व्हील मिलेंगे। व्हील कैप इसके अंदर आपको एसेसरी के तौर पे लगी हुई है। बेस वेरिएंट है, तो आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे फेंडर पे प्लेसमेंट की गई है, और साइड में इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डोर हैंडल की वो भी आपको बॉडी कलर ही मिल जाएंगे, ये देखिए कुछ ऐसे आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे। बात करें इसके पिलर वगैरह की, तो आपको A से लेकर D तक पिलर आपको बॉडी कलर ही मिल जाएंगे। कोई भी आपको मैट ब्लैक फिनिश वगैरह का प्रयोग नहीं मिलेगा बेस वेरिएंट के अंदर। और इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ऑफर आपको ग्राउंड क्लियरेंस यही गाड़ी ऑफर करती है, और हैचबैक में आपको 180 ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी भी गाड़ी का नहीं ऑफर किया जाता है। बाहर से एडजस्टमेंट वाले मिलेंगे, जॉयस्टिक वगैरह कोई भी ऑफर वगैरह आपको नहीं की गया गाड़ी के अंदर। चलते गाड़ी के अंदर दिखाते हैं अंदर क्या कुछ फीचर आपको ऐड कर देगा, क्योंकि मेन फीचर इसके अंदर आपको अंदर ही ऐड किया गया भाई। और उसके बाद दिखाएंगे आपको बूट वगैरह भी, बूट में क्या कुछ आपको ऑफर किया गया है। और इस साइड बात करें इसके डोर ट्रिम की, तो इस साइड आपको 2 पावर विंडो मिलेंगी। इसके अंदर बेस वेरिएंट के अंदर आपको 4 पावर विंडो का ऑफर नहीं की गई है। ये 1 touch down और 1 touch up आपको मिल जाएगी, लोकल लॉक के लिए बटन मिल जाएगा, यहाँ पर रैम हैंडल मिल जाएगा। ये आपका डोर ओपनर वो भी आपको ब्लैक फिनिश के अंदर ऑफर किया गया है। 1 liter की बोतल बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। बेस वेरिएंट, तो इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ है, नहीं आता, लेकिन इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम एसेसरी के तौर पे लगा हुआ है। अभी बात करते हैं इसकी इंटीरियर वगैरह की, तो इसके अंदर आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट मिल जाता है, हाइट वगैरह आप इसके एडजस्ट नहीं कर सकते हो। और बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो कुछ ऐसा आपको ये मिल जाता है फैब्रिक, कोई भी लेदर वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया बेस वेरिएंट के अंदर। और हेडरेस्ट की बात करें वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, इस साइड सीट बेल्ट आपको फिक्स मिल जाती है। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर दिखाते हैं फीचर्स वगैरह आपको। अंदर जाने से पहले आपको एक बार इसकी की भी दिखा देते हैं। इसके अंदर लगे हुए आफ्टर मार्केट मतलब एसेसरी के तौर पे सेंटर लॉकिंग, वैसे आपको नॉर्मल ये ही की मिलेगी भाई 2, ये आपको एसेसरी के तौर पे इसकी किट लगी हुई है। और अभी चलते गाड़ी के अंदर, तो ये बदलाव मिल जाता है आपको। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल अब ऐड कर दिया गया है गाड़ी के अंदर। अलार्म ऑप्शन क्योंकि इसके अंदर आपको लगी हुई सेंटर लॉक मारुति की, तो अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपको फॉग लैंप के लिए ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर आफ्टर मतलब भी एसेसरी के तौर पे फॉग लैंप लगे हुए हैं। इस साइड आप लाइट लेवलर मिल जाता है, हेडलैम्प लाइट लेवलर मिल जाता है। और इसके अंदर भाई यहाँ पे डम्मी लगी हुई है ना, इसके टॉप वेरिएंट में आपको इसके जो MID के लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए आपको बटन मिलता है, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे डम्मी लगा के छोड़ दी गई है। सामने की बात करें कुछ ऐसी आपको इसकी लुक मिल जाती है सामने से। बेस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे सिल्वर टेक्सचर मिल जाता है। स्टेयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड कंट्रोल्स कोई भी आपको नहीं मिलेंगे, सुजुकी लॉक क्रोम में ये एसेसरी के तौर पे लगा हुआ है। और बात कर लेते हैं उसके अंदर सामने डैशबोर्ड की लुक दिखाते हैं, कुछ ऐसे आपको लुक मिल जाती है। अभी सीधा ऑन करते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ऑन करने पे कुछ ऐसी आपको इसकी लुक मिल जाती है। यहाँ पे आपको 200 तक की मार्किंग मिल जाता है, पेट्रोल के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी और नीचे टाइम वगैरह मिल जाता है। यहाँ से आप इस वाली जॉयस्टिक से आप इसका देखते हैं क्या कुछ ऑफर मिल जाता है। ट्रिप बी, ट्रिप ए और ओडोमीटर, तीन फंक्शन आप इससे कंट्रोल कर सकते हो।
और इस जॉयस्टिक से देखते हैं आपको इसके अंदर क्या कुछ ऑफर किया जाता है। रेंज, किलोमीटर पर लीटर और एवरेज, तीनों तीन इससे मिल जाते हैं आपको, एवरेज, रेंज, ठीक है, और दूसरे भी एवरेज मिल जाती है। इस साइड आपको साइड से आप इसकी ट्रिप वगैरह और ट्रिप रीसेट कर सकते हो और इसका ओडोमीटर वगैरह आप देख सकते हो। कुछ इतने आपको ऑफर मिल कुछ इतने आपको फंक्शन मिल जाता है। लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हो। और बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की, ये आफ्टर मतलब एक्सेसरी के तौर पर लगा वैसे इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। सामने चार एसी वेंट्स आपको ऑफर किए गए मारुति की तरफ से। पीरियर में कोई भी एसी वेंट्स वगैरह आपको ऑफर नहीं किया गया। इसके अंदर मैनुअल एसी मिल जाएगा, देख सकते हो। कुछ ऐसे आपको इसके अंदर कंट्रोल मिल जाएंगे, एसी के लिए बटन, हीटर और एसी का दोनों का ऑफर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको 12 से 120 वोल्ट तक का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। यूएसबी और ओक्स के लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, कप होल्डर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 5-speed मैनुअल मिल जाएगा रिवर्स के साथ। कोई भी आपको यहाँ पे सिल्वर का टेक्सचर वगैरह कोई भी आपको प्रयोग नहीं किया गया। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगा, कोई क्रोम टिप वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पे आपको सिल्वर टेक्सचर मिल जाएगा भाई बेस वेरिएंट के अंदर। जैसे टॉप वेरिएंट में आपको ऑफर किया जाता है वैसे ही आपको बेस वेरिएंट में यहाँ पे ऑफर किया जाता है। नीचे आपको डेड पेडल भी गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा, ABC पेडल हो गए। इसके स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट की बात, ये आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। किसी बहुत सी गाड़ी में आपको बेस वेरिएंट के अंदर एडजस्टमेंट आपको ऑफर नहीं की जाती, लेकिन सिग्मा के अंदर आपको एडजस्टमेंट आपको इस इग्निस सिग्मा के अंदर आपको एडजस्टमेंट अवेलेबल की गई है। यहाँ पे आपको हजार्ड लैंप का बटन मिल जाएगा और इस साइड आपको ग्लोव बॉक्स वगैरह मिल जाता है, वो आपको उस साइड से दिखाएंगे क्या कुछ आपको ऑफर किया गया। उस साइड आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता। और IRVM की बात करें तो ये भी आपको नॉर्मल मिल जाता है, कोई भी डे नाइट एडजस्टेबल आपको नहीं मिलेगा। इस साइड आपको टिकट होल्डर भी नहीं मिलेगा और यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप, हेलोजन लाइट मिल जाएगी, कोई भी LED वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया। इस साइड उस साइड अभी आपको कोई भी इवेंट मिरर वगैरह, कोई भी टिकट होल्डर वगैरह आपको नहीं ऑफर किया गया। नॉर्मली आपको सनवाइजर इसके मिलेंगे। अभी चलते हैं गाड़ी के रियर में, दिखाते इसका बूट वगैरह क्या कुछ आपको बूट वगैरह मिल जाता है इसके। अभी आ चुके इसके रियर लुक में, दिखाते आपको क्या कुछ रियर लुक में मिल जाएगा। पीछे आपको ये एंटीना मिल जाएगा नॉर्मल। स्पॉइलर जो है इसका ये आफ्टर मतलब एक्सेसरी के तौर पर लगा हुआ है। हाई स्टॉप लैंप मिल जाएगा, कोई भी डिफोगर वगैरह आपको ऑफर नहीं किया गया। पीछे नेक्सा की बैचिंग मिल जाएगी, रियर वाइपर वॉशर वगैरह कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। सुजुकी का लोगो और इग्निस की बैचिंग आपको क्रोम में मिल जाएगी। पीछे फिजिकल की लगाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। और बात करें इसके टेल लैंप वगैरह की, तो कुछ ऐसे आपको टेल लैंप मिल जाते हैं। एक बार ये आपको ऑन करने के भी दिखाते हैं कैसे क्या लुक मिल जाती है आपको इसकी। कुछ ऐसे आपको यहाँ पे एक पार्किंग बल्ब मिल जाएगा, ब्रेक लाइट और ये बैक के लिए टर्न इंडिकेटर। कुछ ऐसे आपको लाइट होने के बाद कुछ ऐसे आपको लुक मिल जाती है। पीछे आपको चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, दो इस साइड के लिए और दो साइड के लिए। पीछे दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, स्किड प्लेट मिल जाती है। और अब चलते हैं इसका बूट ओपन करते हैं, दिखाते हैं आपको इसके बूट के अंदर क्या कुछ मिल जाता है। यहाँ से ही आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। और पीछे आपको कोई भी पार्सल ट्रे वगैरह ऑफर नहीं की गई है। इसकी सीट को आप सीधा फोल्ड भी कर सकते हो बूट स्पेस बढ़ाने के लिए। वैसे इसके अंदर आपको 260 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। नीचे आपको जो स्पेयर व्हील है वो आपको सेम मिल जाएगा भाई, सेम प्रोफाइल का स्पेयर व्हील मिल जाएगा। जो आपको गाड़ी के अंदर प्रोफाइल के टायर मिलते हैं वही आपको सेम मिल जाएगा, कोई भी आपको नीचे छोटी प्रोफाइल वगैरह का टायर नहीं मिलेगा। चलते हैं गाड़ी के अंदर, पीछे दिखाते हैं आपको स्पेस वगैरह क्या कुछ आपको मिल जाएगा। पीछे जो लाइटिंग लगाई जाती है नंबर प्लेट के ऊपर वो आपको हैलोजन मिल जाएगी, देख सकते हो आप। और इसके अंदर एक्सेसरी के तौर पे पीछे रिवर्स कैमरा भी लगाया गया है, ये देखिए यहाँ पे नाइट विजन लगाया गया है। अभी चलते हैं गाड़ी के पीछे क्या कुछ आपको मिल जाता है। इस साइड में आपको लेफ्ट लुक में 37 फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है, राइट साइड लेफ्ट साइड में। यहाँ पे आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और कोई मेजर चेंज वगैरह आपको नहीं मिलेगा मारुति की गाड़ी में भाई। इग्निस के अंदर आपको यहाँ पे फिजिकल की लगाने के लिए ऑफर किया गया है। और किसी भी गाड़ी मतलब जैसे आपकी स्विफ्ट वगैरह लोगे तो आपको लेफ्ट साइड में कोई भी की लगाने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप चल इसके अंदर आपको पीछे में रियर पावर विंडो नहीं मिलेगी, तो मैनुअल के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। को पीछे स्पीकर के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा, लेकिन स्पीकर वगैरह इसके अंदर आता नहीं। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, जो इसका डोर ओपनर है वो आपको इसका ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक का प्रयोग मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हाथ रखने के लिए, बंद करने के लिए आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। पीछे आपको तीनों सीटें मिल जाएंगी, तीनों सीटों के लिए तीन बंदे बैठने के लिए, तीनों के लिए आपको सीट बेल्ट मिल जाएंगी। पीछे के हेडरेस्ट की बात करें वो भी आपको एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, फिक्स ही मिलेंगे। आप सीट इसकी फोल्ड कर सकते हो बूट स्पेस बढ़ाने के लिए। रियर में कोई भी आपको क्या क्या ऑफर किया गया है बताते हैं आपको। लेग स्पेस वगैरह गाड़ी के अंदर आपको ठीक ठाक अच्छा खासा मतलब इस सेगमेंट में आपको ठीक आपको ये लेग स्पेस मिल जाता है। रियर में कोई भी आपको एसी वेंट्स वगैरह आपको ऑफर नहीं किए गए हैं। और सामने से देखने के पीछे से देखने पर सामने की ऐसी कुछ आपको लुक मिल जाती है। पीछे आपको क्या क्या ऑफर किए गए बता देते हैं। पीछे बाइक कुशनिंग वगैरह आपको बिल्कुल सेम मिल जाती है।
एसी वेंट्स आपको पीछे नहीं मिलेंगे, चार्जिंग सॉकेट भी आपको कुछ भी आपको पीछे नहीं मिलेगा, पीछे आपको सीट बेल्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, पावर विंडो तक भी नहीं मिलेंगी सिग्मा बेस वेरिएंट के अंदर। और अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर, बताते इसके इंजन वगैरह की पावर वगैरह और इसके एक्सोरूम प्राइस वगैरह और इसके लोन वगैरह के आपको बताएंगे क्या कुछ आपको इसके कितनी डाउन पेमेंट आपको गाड़ी ऑफर की जाती है। तो ये था इग्निस बेस वेरिएंट सिग्मा का फुल रिव्यू। इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है BS6 फेज 2 के अंदर। तो इसके बात करते हैं अब इंजन वगैरह की, तो इसके अंदर आपको वही सेम इंजन मिल जाता है, 4 सिलेंडर का 1197 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है 1.0। और इसकी पावर वगैरह की बात करें तो 81 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके देगी। और इसकी एक्सोरूम प्राइस वगैरह की बात कर लेते हैं दोबारा, 5,84,000 रुपये इसकी एक्सोरूम प्राइस मारुति की तरफ से रखी गई है। मोर डिटेल के लिए आप डिस्प्ले पर 17 नंबर देख सकते हो। मोर इंक्वायरी के लिए आप इसके लोन वगैरह भी आप इनसे पूछ सकते हो कितने आपको डाउन पेमेंट में आपको गाड़ी ये ऑफर की जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।